कुछ हुआ अगर रुक्मिणी जी? पूरे रास्ते भी आपने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई बात है तो बता दीजिए। हाँ, एक सच है जो केसर बा को बताना बहुत जरूरी है। बहु मोटी भूल थे गई केसर बेन, आप मेरे भरोसे घर छोड़कर गई और घर में चोरी हो गई। बा, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाते हैं जिससे वो पकड़े जाएं। हमें अभी के अभी पूरा घर चेक करना चाहिए। उस डब्बे में से 2500 रोकड़े गए, लिख लें। इस दीवार पे घड़ी थी, वो भी ले गए। लिख लिख। शिवानी, ये अलमारी पर गड्ढा? अरे वो तो पहले से ही था ना। बाप के कमरे में पहुंच गई है, आवाज दे रही है आपको, जाओ। यहाँ मेरी सर्टिफिकेट रखे थे, कुलदेवी के मंदिर में उम्मीद टूटी और आज मेरे एमएस की पढ़ाई की सर्टिफिकेट चोरी हो गई, मेरी परसों की मेहनत चोरी हो गई। मैं बताती हूँ बा, कुंडी भी अलग है और चिटकिनी को भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब बाहर कुंडी पे ताला लगा रहा होगा और इसे तोड़ कर आने के लिए चोर ने ऐसे मारा होगा और उसकी वजह से यहां पर ये डेंट पड़ गया। मैंने बिल्कुल ऐसा ही गड्ढा शिवानी दीदी के कमरे में भी देखा था। मैं आई हूं तब से मौन व्रत लेके क्यों खड़ी है तू? I'm sorry फेबा, I'm sorry, 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 sorry फेबा। वो ताला, वो कुंडी टूट गई थी, चोर आए थे क्योंकि हम सब घर पे नहीं थे तो हमने ताला लगा दिया था। I'm sorry फेबा। वो पापा और शिवानी दी के भरोसे घर छोड़ के गए थे और वो दोनों बाहर चले गए। वो मंदिर जाने के बहाने की वहां पे शिवानी दीदी की पूजा है, ये लोग सोना बाजार गए थे। कहाँ से आए सोना खरीदने के पैसे? वो शिवानी ही। शिवानी कैसे खरीदा सोना? किडनी बेच के? मोड़ा पर थी आंगली काटे बोल। महिमा, पापा बताएंगे आपको। पापा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।